नेहरु जी खेत पर पधारे हैं तो सभी ने बैठे बैठे ही सरकार में नारा बोलना है जी। सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी श्रीनिवास इंसान जयपुर से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद प्रेमी आशय इंसान जयपुर से ही भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। और सभी से प्रार्थना कृपया शोर न करें, बिल्कुल भी शोर न करें, प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं और भजन वाणी सुने जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जीवन बीत रहा पर जीना नाया, नाम करस घूट पीना नाया। जीवन बीत रहा पर जीना नाया,
धनन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी आशीष इंसान जयपुर से भजन सुना रहे जी। इनके बाद सतपुरम चर्चावदार बाल मुकेश जी इंसान भजन बोलने के लिए तैयार रहे। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कोई कोई जाने कैसा नशा है नाम का, वो ही जाने प्याला पिया प्रेम के जाम का। कोई कोई जाने कैसा नशा है नाम का, वो ही जाने प्याला पिया प्रेम के जाम का। तो घने और भी बने, लोग दिन रात दिन खाए हैं बड़े। सुबह का पिया शाम उतरा, नाम का नशा दिन रात चढ़े। ऐसा नाम का नशा जित चढ़े है गया, वो मत गया। कोई कोई जाने कैसा नशा कैसा नशा है नाम का, वो भी जाने प्याला पिया प्रेम के जाम का। भोले भाले प्रेम प्याले सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नाम ध्याया वो हुआ अमर, काल कभी उसे रहे ना डर। नाम ध्याया वो हुआ अमर, काल कभी उसे रहे ना डर। नाम पदार्थ है बड़ा, जीव को पर कदर ना।
इतनी शक्ति नाम में, जीव को ये खबर ना, सब रोगों की दवाई है, भागों वाला आए कर नाम है आया वो हुआ। दुनिया में पदार्थ काल ने बड़े बनाए हैं, जिनको खाने से मोटा हुए अहंकार बढ़ जाए है, नाम पदार्थ खाने से मिट जाता है जम का डर, नाम आया हुआ अमर। नामी नाम में भेद नहीं, नाम मिला मालिक मिला, मालिक का जो नाम ना जाने पास बैठा नाम मिला, नाम शकल कर जाने ना कैसे ढूंढे उसका घर, नाम है आया हुआ अमर। नाम की महिमा संतों ने बड़ी लिखी बताई है, भीड़ बने जहाँ कहाँ होता नाम सहाई है, कहीं शाकत नाम जी हर श्वास में, नाम प्रभु का याद कर नाम भयाया हुआ अमर, काल कभी उसे नहीं ना डर, नाम भयाया हुआ अमर। धन धन सतगुरु तेरा ही मालिक। सजनवा जी, प्यारे सत्संग जीओ, भगवान का नाम सुखों की खान है, अच्छे भागों वाला, अच्छे नसीबों वाला। इंसान सत्संग में चल के आता है, कैसे होते हैं उसके अच्छे नसीब, अच्छे भाग्य। हमारे जितने भी धार्मिक पवित्र ग्रंथ हैं सब में ये लिखा है, जिन पे कृपा राम की वो सत्संग में आए, कि जिन पे भगवान अल्लाह वाहिगुरु राम की कृपा होती है वही इस कलयुग में सत्संग में आता है। हथाई करना, गपशप मारना, कोई वहां निमंत्रण पत्र नहीं देता, न्यूंदा नहीं देता, फिर भी लोग भाग भाग के बैठते हैं सिर जोड़ जोड़ के। मेले मुजरे पे जाना कोई नियमदा नहीं आता, फिर भी लोग भागे जाते हैं। सर्कस सिनेमा में जाना, पैसा भी देते हैं और फिर भी भागे जाते हैं। राम नाम से लोग कन्नी कतराते हैं, राम नाम सुनना हो लोग आके हाथ भी जोड़ते हैं, चलो भाई सत्संग सुनो, चलो भाई राम का नाम सुनो, तो भी कहते हैं भाई देखूंगा। ले भाई देखेगा क्या, बस एहसान करता है फिर भी, मैं आऊंगा, चल तू इतना कहता है तो मैं आऊंगा। अरे आएगा तो खुद का भाग बनाएगा, उस पर क्या एहसान है, उसका तू शुक्र मना जो तुझे बता रहा है, तुझे प्रार्थना कर रहा है। और वो प्रार्थना क्यों करता है, क्योंकि उसको भी भगवान खुशी देगा जो भगवान से भगवान की औलाद को मिलाएगा। तो भागों वाले चल के आते हैं और सत्संग सुन के जो अमल किया करते हैं उनके और भाग्य बन जाया करते हैं। आम तौर पे कहा जाता है जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा,
जो भगवान कहेगा वो ही मिलेगा। वाकई सच है, जो भाग्य में लिखा वो तो मिलेगा, लेकिन 84 लाख जोनियों में आदमी एक ऐसा शरीर है जो अपने भाग्य को बदल सकता है। जानवर, पक्षी, कीड़े मकौड़े, पेड़ पौधे, देवी देवता, कोई भी अपने भाग्य को नहीं बदल सकता। सिर्फ आदमी को अधिकार है कि वो अपने भाग्य को बदल सकता है। और भाग्य कैसे बदलता है? आदमी सत्संग सुने, सुन के अमल करे, संत जो वचन कहें उनको माने, तो भाग्य बदलता है। सिर्फ सुन के छोड़ देने से भाग्य नहीं बदलता, उसका पुण्य तो जरूर मिलेगा, आपकी आत्मा के खाते में जमा तो जरूर हो जाएगा, लेकिन यह नहीं है कि उससे आपका भाग्य बदल जाएगा। अगर आप भाग्य बदलवाना है, भाग्य बदलना चाहते हो, तो आपको संतों के वचन सुनने होंगे, सुन के फिर मानने होंगे। सुन के जो मानते हैं, सुन के जो अमल करते हैं, उनके ही भाग्य बदला करते हैं। संत ऐसा क्या कहते हैं जो मानना चाहिए? संत कहते हैं तेरा असली जो काम इस दुनिया में है वो है भगवान का नाम लेना। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब ईश्वर प्रभु परमात्मा भगवान मालिक, अरबों नाम है जिसके, पर वो एक है। उसका नाम जपने के लिए हे इंसान, हे आदमी, तुझे भगवान ने यहां भेजा है, इस धरती पे भेजा है। क्या होगा भगवान का नाम जपने से? जीते जी गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाएंगी, और मरणोपरांत गम दुख दर्द सब दूर हो जाएंगे। गम दुख दर्द चिंताएं सब मिट जाती हैं, चिंता मुक्त हो जाता है आदमी। जीते जी मुक्ति मिले और मरणोपरांत मुक्ति मिले, इसी का नाम सच्चा मोक्ष। जीते जी गम दुख दर्द चिंता बीमारियों से, मरने के बाद आवागमन से। कोई आदमी कहे जी मैंने तो नाम लिया है, मेरे तो जीते जी बीमारियां तो खत्म हुई नहीं, टेंशन तो खत्म हुई नहीं, समस्याएं तो खत्म हुई नहीं, क्या तू घंटा सुबह शाम नाम जपता है? क्या तू संतों के वचनों पे अमल करता है? कर, लिख के गारंटी ले ले, जीते जी गम दुख दर्द चिंताएं सारी मिट जाएंगी। कहता नहीं, नाम नहीं जपा जाता, वो तो आप ही जपो। तो फिर कर्म भी आप ही भुगतो, बताओ क्या किया जाए? संत तरीका बताते हैं। डॉक्टर कहता है तेरा जख्म है, इसको इस मरम लगा ठीक हो जाएगा। कहता नहीं, मरम थे ही लगाओ। तो डॉक्टर मरम लगाएगा, जख्म तेरा किया भर जासी भाई, बोल। तो बात वही है कि राम नाम तो खुद को जपना पड़ेगा, जपोगे तो गम दुख दर्द चिंता परेशानियां जीते जी 100% खत्म होंगी, और मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, इसका आपको अंदर से भगवान यकीन दिला देंगे, आपको दिखा देंगे। तो यही जरूरी है, संत के वचन सुनो और अमल करो। जब तक जीव मानता नहीं, उसे वो खुशियां नहीं मिलती जिसका वो अधिकारी है, उसे वो भगवान के दर्शन नहीं होते जिसके करने का मालिक ने उसको हुक्म दिया है या शक्ति दी है। बाकी शरीर तो सहन ही नहीं कर सकते भगवान के नूरी स्वरूप को। एक मनुष्य शरीर है जो भगवान के नूरी स्वरूप को सहन कर सकता है, पर ये सुमरण करेगा तभी सहन करने के काबिल बनेगा, वरना ये भी सहन नहीं कर सकता उसके नूरी स्वरूप को। कहीं कह देते हैं ना, चलो हम तो नहीं देख सकते, भगवान ही दर्शन दे दे। कहते मूसा ने सुई के नक्के में से, सुई का नक्का मतलब इतनी सी जगह जो दोनों उंगलियों चारों के बीच में है, सुई का नक्का जिधर धागा डलता है, उतनी सी जगह में से, मतलब उतना अल्लाह का नूर देखा था और वो कोमा में चला गया था। इतना ज्यादा नूर था, इतनी ज्यादा खुशी थी कि उसे झेल नहीं पाया। उसके बाद अल्लाह ने कहा इबादत किया कर, फिर तुझे नजारे दिखाऊंगा।
फिर इबादत की, फिर नूरी स्वरूप नजर आया। तो लोग कहते भगवान तो है, उसको किसने रोका, वो दर्शन क्यों नहीं देता? भगवान ने आपको पागल बनाना है क्या सबको? वो दर्शन देता जाए और सारे के सारे पागल झेल ना पाए, दिमाग उड़ जाए, तो फिर कहोगे भगवान को तो पता था उसने क्यों दिए दर्शन, छोड़ना तो है नहीं उसको, अपने पे तो बात लेनी नहीं, पहले की देता क्यों नहीं, फिर दिए क्यों? तो इसलिए उसको सारा पता है आप क्या क्या बोलोगे, देता ही नहीं वो। जब तक आपका शरीर उसके काबिल नहीं बनता, और काबिल बनाने के लिए लोग आते हैं सत्संग में, काबिल बनाने के लगाते हैं संत सत्संग। सत्संग सुनो, नाम ले लो भाई, नाम लेके उसका जाप करो भाई, जाप करोगे शरीर उसके लायक बनेगा, फिर वो भगवान आपको हर जगह नजर आएगा, कण कण में नजर आएगा, और आपकी खुशियों का लेवल बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। तो सुमरन तो करना पड़ेगा, सुमरन नहीं करोगे मन का नहीं भरोसा। मन कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है, ये दो धारी तलवार है, दो धारी, इसके इधर भी तलवार के धार है और इधर भी धार है। पहले ये गलतियां करवाता है आदमी से, पाप कर्म करवा लिए, वचन नहीं मानने दिए, बुरे कर्म करवा लिए। अब अगर संत पीर फकीर फिर माफी कर दें कि चल भाई तुझे माफी है, मन फिर दूसरी तरफ चल पड़ता है, अब तुझे खुशी मतलब ही नहीं है, अब तो तू निगाह में गिर गया, अब थोड़ी ना तू वहां पहुंच सकता है, हो ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं है। तो मन ऐसी जाले में ताकत है, दोनों तरफ से नहीं छोड़ता, पहले गलती करवाता है तो गलती करवा देता है इसलिए नहीं छोड़ता, फिर संत पीर फकीर माफ कर दें मानने नहीं देता कि तुझे खुशी मिलेगी। तो संत पीर फकीर अगर माफ कर देना, भगवान भी उसे नहीं रोकता, वो माफ कर देता है कि जब फकीर ने कर दिया मेरी तरफ से भी माफ। वो कहते हैं भगवान की बांदी भक्त छुड़ावे, भक्त की बांदी कौन छुड़ावे? भगवान, यानी भगवान अगर कोई ऐसा कर भी देना भक्त को, तो संत गुरु जो होते हैं वो मालिक से दुआ करके भगवान के शराफ को खत्म कर देते हैं, पर गुरु की ना माने जीव और फिर बुरा हाल हो जाए तो फिर भगवान भी दखल नहीं देता भाई, कि जब ये फकीर की नहीं मानता मेरी क्यों मानेगा। फकीर तो सामने नजर आता है, गुरु तो नजर आता है, भगवान तो नजर ही नहीं आता। तो इसलिए संतों की बात सुनो और अमल किया करो, ताकि आपके गम दुख दर्द चिंताएं परेशानियां मिट जाएं, वचनों पे चला करो। कम से कम शुरू कर लो 15 मिनट सुबह शाम सुमरण करना, 10 मिनट सुबह शाम सुमरण करना, नियम बना लो नियम, या फिर ऐसा करो 10-12 दिन रोटी ना खाओ, देखते हैं। नहीं, 10-12 दिन, 10-12 घंटे में आंखें बाहर आ जाती। कई व्रत रखते हैं 24 घंटे का, हमारे कई बच्चे जो हैं सद्ब्रह्मचारी भाई बहने, कई रखा करते हैं, पता नहीं अब रखते हैं, कुछ रखते हैं कुछ नहीं रखते, मर्जी के मालिक। सो जो रखते हैं पहले कहा करते थे पिताजी बड़ा मुश्किल लगता है, चारों तरफ रोटी रोटी नजर आती है शुरू शुरू में, सभी के नहीं कुछ कुछ थे, बाकी तो परवाह नहीं करते थे, और धीरे धीरे वो ठीक हो गया, उसमें सुमरण करने लगे, भक्ति करने लगे, तो खुशियां आनी शुरू हो गई। और कई होते हैं आठ पहर के बाद खाते हैं, और कई होते हैं आठों पहर खाते हैं, खाना तो नहीं छोड़ते, पीना नहीं छोड़ते, चाय दूध लेट हो जाए सिर कौन सा ना फाड़ दें एक दूसरे का, इतना लेट कर दिया दे धड़ाक। तो सुमरण नहीं करते, भगवान तो कुछ नहीं कहता मेरा सुमरण नहीं करते, भाई क्या बात आज किया नहीं, सुबह शाम क्यों नहीं किया? सुमरण को फालतू का काम समझते हैं, और जब जान आ गई आफत में फिर भगवान ही भगवान, हे राम हे अल्लाह हे वाहेगुरु हे ईश्वर बचा ले मुझे, बचा ले मुझे, बचा ले मुझे, बचा। क्यों? पहले किधर गया था? पहले तो कभी याद नहीं किया। तो आपको कल भी सुनाया था, दुख में सुमरन सब करें और सुख में करें न कोय, जो सुख में सुमरन करें तो दुख काहे को होए। जब सुख है, जब शांति है, तो सुमरन लगातार करते रहो, ताकि आने वाला दुख आए ना, आने वाली परेशानी ना आए। दुख में करते हैं और दुख में होता नहीं, दुखी इतने होते हैं, परेशानियां इतनी होती हैं, कहता नाम नहीं जपा जाता, तो पहले जप लेता ना, तो तू सुख में जपना चाहता है ना दुख में जपना चाहता है, जपेगा कब? इसलिए भाई सुख में नियम बना लो, जैसे खाना खाना जरूरी, हम आपको रोकते नहीं, खाओ जितना मर्जी, आपकी मर्जी, आपका पेट आपका काम, बढ़ाओ कम करो जो मर्जी। तो
हम तो ये कहते हैं जैसे खाना खाना शरीर के लिए जरूरी, चाय दूध लेना शरीर के लिए जरूरी, उसी तरह राम का नाम जपना इनसे अरबों गुना ज्यादा जरूरी। टाइम रख लो, टाइम के बिना नहीं जाप होगा। सुबह इस टाइम पे, शाम को इस टाइम पे जाप करेंगे ही करेंगे। अगर करोगे तो जरूर मन काबू में होगा, माले की कृपा होगी और अंदर बाहर खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे। डॉक्टर मोहित इंसा सेंट्री रोस्टोक जर्मनी से लाइव मैसेज है। प्यारे पिता, कल मेरा 34वां जन्मदिन है, जन्मदिन मुबारक हो बेटा। आशीर्वाद केक व फ्रूट है प्रसाद बनाने के लिए अर्ज करते हैं। आप जी गुरुगद्दी निशिनी महाप्रोपकार 23 सितंबर की खुशी में नाम चर्चा है, बिस्कुट प्रसाद बना दी जी बेटा। आशीर्वाद प्रसाद बन गया, अच्छे नहीं कर्म करना, मालिक खुशी बख्शे। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। शास्त्र राम जी कितने वेलफेयर फोर्सिंग का प्रसाद लेने वाले 14 भाई 11 बहने खड़े हो जाए। यूथ वेलफेयर फेडरेशन का प्रसाद लेने वाले 40 भाई खड़े हो जाए। यूथ वीरांगनाओं का प्रसाद लेने वाले 81 बहने खड़ी हो जाएं, खड़ी हो जाएं और अपनी जगह पे खड़े रहना। और जिला सत्र की यूथ वीरांगनाओं का प्रसाद लेने 11 बहने वो भी खड़ी हो जाएं। और राज्य स्तरीय यूथ वीरांगनाओं का प्रसाद 7 बहने सोनिया इंसा, आशा इंसा, सुरेखा इंसा, कमलेश इंसा, विद्या इंसा, संतोष इंसा और रेणु इंसा, ये खड़े हो जाएं। और इंसानियत की सेवा महाभियान फार्म भरने वाले 74 बहन भाई खड़े हो जाएं, जिन्होंने इंसानियत की सेवा दोनों तरफ है, जैसे यहां जयपुर में महाभियान चले ऐसे फार्म भरे जिन्होंने खड़े हो जाएं। तो जो भी आप लोग सेवा में आगे आ रहे हैं, धन्य मां बाप, धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा करते हैं, सेवा में आगे आते हैं और धन्य वो कुल हो जाती है। सो जोर शोर से सेवा करना, मालिक दया में रहमत से आपको माला माल करे, बाद में प्रसाद ले लेना। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाओ। आशीर्वाद जी बेटा, बैठ जाइए। आशीर्वाद, बीमार बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है, मालिक से प्रार्थना में दुआ करके प्रसाद देते। जितने बार दवाई लेने पहले आधा घंटा नाम जपना, कैंसर या लाइलाज मेरे दिन रात मालिक का नाम जपो फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते करने वाला मालिक मानना आपने है, तो प्रसाद आपने ले लेना है जी। खाने पीने की अनजाने में गलती हुई है, बैठे बैठे नारा लगा दो, मालिक माफ करेंगे। 3 वचनों में पहली बार गलती हुई है, पता है खुद को कि मेरे से 3 वचनों में गलती हुई, वो खड़े हो जाओ। पहली बार जिनसे गलती हुई 3 परहेजों में, इधर उधर मत देखो, आपको मालिक से माफी दिलवानी है, घबराओ मत, जल्दी खड़े हो जाओ। अभी खड़े होना, बाद में खड़े नहीं होना, बाद वालों को माफी नहीं मिलती। जो अब खड़े हो गए खड़े रहो, बैठना नहीं, खड़े रहना है। तो आपको आशीर्वाद कहने जा रहे हैं, आशीर्वाद, आशीर्वाद। और नारा लगा के बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ, तो भगवान जरूर माफ करेंगे। अब बाद में खड़े होने का कोई फायदा नहीं, पहले आपको कहा था खड़े हो जाओ, तो जो पहले खड़े हो गए थे भगवान जरूर माफ करेंगे। आइंदा वचनों में गलती ना करना भाई, वचनों में गलती करते हो मान लो झोली फाड़ ली, सारी दया मेर झोली में कृपा आती है और निकल जाती है गलती करने से, अब फिर से सिल जाएगी। लेकिन ख्याल रखना वचनों पर पक्के रहना, तो भगवान की कृपा फिर से आएगी। सो अब भगवान आपको माफ करेंगे जी। बाकी जाम दोबारा पिया, नशा किया, खड़े होकर नारा लगा के बैठ जाओ, वचनों में गलती कभी ना करो, ऐसी भी गलती ना करो। पूज्य पिताजी पावन गुरुगद्दी निशिनी महा महीने और महापरोपकार दिवस 23 सितंबर की खुशी में 30 बहन भाई दीन दुखी मध्य में बैंक में पैसे जमा करवा रहे हैं, खड़े हो जाए। सेवा सुन में मन लगे बेटा, घरों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े, मालिक रहमो करम से नवाजे, प्रसाद लेना, नारा लगा के बैठ जाओ। आशीर्वाद जिनके परिवार में किसी ने चोला छोड़ा, रावत भाटा राजस्थान से खड़े हो जाएं जी। बेटे ने चोला छोड़ा, उम्र 27 साल, नाम लिया था, नाम रजिस्टर में चढ़ गया है, परिवार भाइयों की तरफ आया है। तो बेटा जिसने नाम लिया होता वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलो का नाम ही जरूर आती है। छोटी उम्र में जाते दर्द तो होता है, पर घबराइए ना, जो जख्म देता मरण भी जरूर देगा। सो प्रसाद ले लो और अस्थियां जो हैं कहीं भी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो, ये तो मिट्टी है, आत्मा की मालिक पूरी पूरी संभाल करती। सुप्रसाद ले लो, जो जख्म देता मरम देगा, प्रसाद लेने के बाद बैठना है। तो जो भी सत्संगत आश्रम में सत्संग में चल के आइए, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। जी आया नुक शाम दिन कहते मोस्ट वेलकम।
बस थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सजे रहना, बैठे रहना, उसके बाद जैसा आपका विचार जाने का, समय साधन के अनुसार जैसे रहने का, जैसे सेवादार भाई बताते रहना, सेवा करना, आराम करना है, पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सजे रहिएगा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपने अपनी जगह पर बैठे रहें, प्रेम से सभी ने बैठे रहना है जी। इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर हैं। केवल प्रेमी तनुज जी आगे आकर मिल लें, बहन पुष्पा से तनुज जी आगे आकर मिल लें जी। प्रेमी तनुज निर्माण नगर जयपुर से ये आगे आकर बहन पुष्पा से अभी मिल लें जी।